हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 5 सितंबर 2020, आई एम स्टार्टिंग योर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, द सुनामी। सुनामी का नाम आप बच्चों ने सुना होगा, यहाँ पे टी जो है साइलेंट है, सुनामी। सुनामी का नाम आपने काफ़ी सालों पहले सुना होगा। सुनामी जो लहरों का नाम है, समुद्र से एक ज्वार जो उठता है लहरों का, वो इतना भयंकर होता है कि वो बहुत बहुत दूरी तक के जो एरियाज़ होते हैं उनको पूरी तरह से जो है ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है, अपने साथ पानी में बहा ले जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कितने ही लोग मारे गए थे उस टाइम। तो सुनामी को लेकर के ये चैप्टर है कि किस तरह से ढेरों जिंदगियां, इंसान, जानवर उस टाइम मारे गए थे, किसी ने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया था किसी तरह, किस किस तरह से लोग अफेक्ट हुए थे, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समरी ऑफ द चैप्टर। बेटा एक्चुअली क्या है कि मैं आपको यहाँ पर जो आपका पूरा चैप्टर है उसकी समरी यहाँ पे बता रही हूँ, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या है, आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, दिस चैप्टर हैज़ 3 different parts। इस चैप्टर के 3 अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, द स्टोरीज इन द फर्स्ट पार्ट आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर 3 stories हैं, वो तीनों स्टोरीज अंडमान निकोबार आइलैंड से ली गई हैं। इन द फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी में इग्नियस एक आदमी है जिसकी वाइफ जो है वॉक हिम अप सेंसिंग एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ को महसूस हुआ कुछ अर्थक्वेक जैसा, तो उसने इग्नियस को जगाया। बट इट वॉज द सी राइजिंग, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ये तो क्या है, एक सी राइजिंग है, यानी कि समुद्र में उफान है। बट इट वॉज द सी राइजिंग, द सुनामी हैड स्ट्रक देम। इससे पहले कि वो कुछ बचाव कर पाते, जो लहरें थी, सुनामी जो थी, वो उनसे स्ट्रक हुई, टकराई। ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 children इन दिस कैलामाइटी। और इस आपदा के अंदर जो इग्नियस था, उसकी बीबी, उसके दोनों बच्चे, अलोंग विथ हिज फादर इन लॉ, उसके ससुर एंड ब्रदर इन लॉ, और उसके जो साले थे, सभी को उसने खो दिया था। सेकेंड जो स्टोरी है उसमें क्या है, द स्टोरी इज अबाउट संजीव। संजीव के बारे में ये स्टोरी है, हु गोट ड्रोन वाइल सेविंग हिज कुक्स वाइफ अलोंग विथ हर। अपने कुक की बीबी को किस तरह से उसने बचाते हुए खुद वो पानी में बह गया, उसकी कहानी है। द थर्ड इंसिडेंट इज अबाउट मेघना। तीसरी जो कहानी है वो मेघना की है, हु वॉज ब्रॉट टू शोर एंड वॉज दस सेफ। किस तरह से उसे किनारे पर लाया गया और बचा लिया गया, ये मेघना की कहानी है। द फोर्थ इंसिडेंट इज अबाउट एलम्स, हुज होल फैमिली स्वैप्ड इन द सुनामी एक्सेप्ट हर। इनका पूरा परिवार सोया का सोया सुनामी के अंदर बह गया, मतलब सुनामी में बह गया, मतलब खत्म हो गया सुनामी में। द स्टोरी इन सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम थाईलैंड। सेकेंड जो इसका पार्ट है उसकी जो स्टोरी है वो थाईलैंड से ली गई है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एक जवान लड़की की कहानी है, या एक बच्ची की कहानी है, जो कि टिल्ली नाम है उसका, तिल्ली या टिल्ली। शी सेंस्ड द कमिंग सुनामी। टिल्ली को सुनामी का सेंस हो गया था, महसूस हो गई थी। आप जानते हो कि जब जैसे बारिश आती है तो बारिश आने का आपको पहले ही सेंस हो जाता है ना कि भाई बारिश आने वाली है, तो हम लोग अपने चीज़ सामान पहले ही उठा करके रख लेते हैं। इसी तरह से टिली को सुनामी का की सेंस हो गई थी कि सुनामी आने वाली है। एंड गोट अलार्म्ड, उसने सभी को ये, मतलब अलार्म से मतलब है यहाँ पे जैसे कि सभी को चेता देना।
शी सेव्ड द लाइफ ऑफ हर फैमिली एज वेल एज अदर पीपल। उसने ना केवल अपने परिवार की जिंदगी बचाई बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी बचाई। द थर्ड पार्ट स्पीक्स अबाउट द एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस। इसका जो दो पार्ट हो गए हैं, पहले पार्ट के अंदर जो स्टोरीज हैं वो अंडमान निकोबार से ली गई हैं, दूसरी जो पार्ट है उसकी स्टोरी थाईलैंड से ली गई, और तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, यानी कि एक छठी इंद्रिय होती है जो उनको खतरा महसूस करवा देती है, उन्हें खतरे का पता चल जाता है। तो थर्ड पार्ट जो है स्पीक्स अबाउट द एनिमल, जानवरों के बारे में बताता है कि दे हैव सिक्स्थ सेंस, उनके पास सिक्स्थ सेंस होती है बेटर देन ह्यूमन, जो कि इंसान की सिक्स्थ सेंस से ज़्यादा होती है। हम लोगों के पास में भी होती है, इंसानों के पास में भी सिक्स्थ सेंस होती है जो कि हमें खतरे का है ना एहसास करवाती है। जब भी कभी कुछ गलत होने वाला है तो हमारी सिक्स्थ सेंस हमें चेताती है उसके बारे में। अबाउट 1,50,000 पीपल वर किल्ड इन सुनामी। लगभग 1,50,000 लोग सुनामी में मारे गए, बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। लेकिन जो एनिमल थे वो बहुत ही कम थी उनकी संख्या। ये एक एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जानवरों की सिक्स सेंस होती है वो इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। जानवर कुछ ही मारे गए, उन्होंने खुद को सेफ कर लिया, लेकिन इंसान बहुत सारे मारे गए क्योंकि वो अपने आप को सेफ नहीं कर पाए, उनको सेंस ही नहीं हुआ इसका। Some of the animals also saved the life of their masters. कुछ जानवरों ने तो अपने मालिकों की भी जिंदगी बचाई। तो ये सुनामी का कहर जो है जब छाया था, तो जब भी किसी इस तरह की दुर्घटना की जब शुरुआत होती है तो उसमें कोलैप्स्ड ज़्यादा होता है, विनाश उसके अंदर ज़्यादा होता है। बाद में लोग अलर्ट हो जाते हैं, खुद को समझ जाते हैं कि किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प करती है लोगों को, उन एरियाज से बाहर निकलती है जहाँ पर इस तरह की जो अर्थक्वेक्स या सुनामी इस तरह का जो भी खतरा रहता है उनसे लोगों को बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये सुनामी में किस तरह से लोग परेशान हुए थे, किस तरह से उनके घर उनके परिवार बर्बाद हो गए थे, उसकी कहानी है द सुनामी। तो आज आप लोगों को ये जो सुनामी चैप्टर की मैंने समरी आपको बताई है, आपको इसे अच्छे से रीड करना है। ठीक है, कम से कम 2 टाइम आप इसे सुनिएगा, वापस से वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से समझिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।